राहुल गांधी जी को झूठा इस केस में फंसाया गया था। ये तो उन्होंने एक इंजरी लगाई राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस के ऊपर, और उस पर मलहम लग गया आज तो उसके जश्न मना रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है इस बात में। तो अब ये तो स्पीकर साहब के खिलाफ मेरे ख्याल से एक और सबूत बनेगा अगर वो तुरंत इनकी सदस्यता रिस्टोर नहीं करता है स्पीकर का ऑफिस, कि ये कार्रवाई जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं होगी कानूनी, जब तक हमले होते रहेंगे, अपना डिफेंस करना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, अपने दुश्मन को ब्लॉक करना भी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, उस पर कांग्रेस के लोगों को ध्यान देना चाहिए। मुझे तो दुख भी हो रहा है और हैरानी भी हो रही है कि किस चीज़ का जश्न, एक अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर को इतनी चोट पहुंचाने के बाद, जो उनका कोई गुनाह ही नहीं था, उसको वापस करने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। ये मुझे हैरानी हो रही है। जश्न तो तब मनाया जाना चाहिए था जब, जैसा मैंने, अगर आपने मेरे पुराने इंटरव्यू आपने भी लिए, मैंने कहा था कि जब जश्न तो तब मनाया जाना चाहिए जब इसमें धारा 120B का मुकदमा दर्ज करा के जज साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता जी, स्पीकर साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता, मोदी जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता, मोहन भागवत जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता, अमित शाह जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता कि राहुल गांधी जी को झूठा इस केस में फंसाया गया था। ये तो उन्होंने एक इंजरी लगाई राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस के ऊपर, और उस पर मलहम लग गया आज तो उसके जश्न मना रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है इस बात में, मगर अभी भी ये जख्म खत्म नहीं हुआ है। मेरे पुराने इंटरव्यूज में भी मैंने ये बात बताया है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी वो पक्की राहत नहीं है, अभी इनका अपील चल रही है। जिस प्रकार से ट्रायल एक्सपेडाइट करा के, और ये मैं मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ वकील होने की हैसियत से, क्योंकि मैं देश के बारे में भी सोचता हूँ, कि जिस प्रकार से आउट ऑफ टर्न जाके जितनी बिजली की गति से ये ट्रायल खत्म कराया गया था, जो अपील है कहीं इलेक्शन के ठीक पहले, नॉमिनेशन के ठीक पहले कहीं इन्होंने दोबारा वो बिजली की गति से अपील डिसाइड करा के राहुल गांधी जी की इलेक्शन लड़ने पे बैन फिर स्पीकर साहब के ऑफिस से रातों रात लगवा लिया, जैसे पिछली बार लगाया था, कि अभी वो सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं पहुंची थी स्पीकर साहब के ऑफिस में, पहले ही उन्होंने उसकी सदस्यता एक दिन में रद्द कर दी थी उसी रात को। तो उसी प्रकार से कहीं अपील के समय, अपील में राहुल गांधी जी के खिलाफ फैसला आए और स्पीकर साहब हटा दे उन्हें तुरंत, और उसी दौरान नॉमिनेशन का टाइम निकल जाए, तो अच्छे नेता, अच्छे जो है स्ट्रैटेजी बनाने वाले वो होते हैं जो खतरे को पहले से, बहुत पहले से, बल्कि भांप ले, सूंघ ले, और उस खतरा जो आने वाला है लंबे टाइम बाद उसकी तैयारी करके रखें। तो ये सलाह मैं देश हित में फ्री में कांग्रेस की लीगल टीम को दे रहा हूं। बहुत मायने रखता है वो बयान जो 3 जजों की बेंच ने दिया, कहा गया कि ये सजा जानबूझ कर लगता है कि 2 साल की दी गई, मतलब जो सबसे ज्यादा सजा इस मामले में थी वो दी गई, 1 साल 11 महीने भी हो सकती थी, या 1 दिन कम भी होती तो जो सदस्यता का चला जाना था वो रह जाता। तो जो ये पूरा का पूरा उस फैसले पर जो कमेंट करते हुए जजों ने कहा है, कैसे इसको आप बतौर जो है कानून एक्सपर्ट देखते हैं? नहीं, जुडिशरी के ऊपर पूरी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए वो बात कह दी जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जजेस भी कोई कानून से ऊपर नहीं होते हैं। और मैंने अभी भी कहा कि जब तक वो FIR और मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, जब तक इन्हें विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, जो मैंने अभी आपके साथ कहा, और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो मेरी उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बल दे दिया कि इस प्रकार की टिप्पणी ट्रायल कोर्ट के बारे में करिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट टिप्पणी मेरे ख्याल से उस सेशन कोर्ट पे भी है और हाई कोर्ट पे भी है, फैसले पर तो रोक लग गई, इसको स्टे नहीं किया गया था। तो मगर हमारी, मेरी बात में अब कम से कम कांग्रेस की लीगल टीम और कांग्रेस के नेताओं को मेरी बात को कंसिडर करने का और थोड़ा बल मिलना चाहिए इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट की, कि ये फैसला इस प्रकार से बायस्ड लग रहा है प्राइमा फेशाई देख। सर, फैसले पर तो रोक आ गई है, लेकिन सदस्यता बहाल होने पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसी तेजी से सदस्यता बहाल हो पाएगी जैसे जिस तरह से सदस्यता को खारिज किया गया था? ये कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाँ, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी आपको नजर आ जाएगा जी, उस फैसला जिस दिन हुआ था उसी दिन शाम को जी कैंसिल हो गई थी ना जी। ये फैसला भी शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो एक मैजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला था जिसमें अपील का भी टाइम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई अपील का कोर्ट है ही नहीं जी। तो अब ये तो स्पीकर साहब के खिलाफ मेरे ख्याल से एक और सबूत बनेगा अगर वो तुरंत इनकी सदस्यता रिस्टोर नहीं करता है स्पीकर का ऑफिस,
तो मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब के खिलाफ भी इसमें FIR बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है, तो ये एक और मजबूत ग्राउंड बनेगा उस बात का अगर नहीं करते। लेकिन मेरा मानना यह है कि RSS और BJP के जो ट्रेन कार्डर्स हैं वो डरने वाले नहीं हैं इस प्रकार से, बगैर मजबूत कार्रवाई के बगैर स्पीकर साहब का ऑफिस डरेगा नहीं। वो क्या ग्राउंड है सर, एक बार तफसील से बता दें जिस पर उन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने ये मानहानि का पूरा मामला, और उसके बाद मैंने पहले दिन से बताया है धारा 218 219 है IPC की। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में कोई मजिस्ट्रेट साहब को थोड़ी फायदा हुआ इस जजमेंट का, फायदा किसे हुआ? BJP और RSS को, तो वो बेनिफिशियरी हो गए। स्पीकर साहब ने इतनी बिजली की तेजी से कर दिया तो वो भी धारा 120 भी यानी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गए। और उसके लिए उन्होंने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज किए होंगे या कोई ऐसे सबूतों को माना होगा तो दूसरी विभिन्न धाराएं भी लगेंगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो करनी चाहिए। तो ये बात मेरे पहले के इंटरव्यूज में भी है और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि ये कार्रवाई जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं होगी कानूनी, जब तक हमले होते रहेंगे, अपना डिफेंस करना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, अपने दुश्मन को ब्लॉक करना भी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, उस पर कांग्रेस के लोगों को ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने एक बात और कही राहुल गांधी के इस पूरे मामले में कि उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए बोलते वक्त, यानी कहीं ना कहीं दोषी तो पाया कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से, और मैं बार बार इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये राहुल गांधी जी अपनी बहस करेंगे तो आराम से जीत जाएंगे, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, ट्रायल जो होता है ना वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सुप्रीम कोर्ट से लेके और जमी जो शुरुआत होती है ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन सारी प्रोसीडिंग्स में इंडिया में ट्रायल होता है। अब ट्रायल में क्योंकि एविडेंस मेरे सामने नहीं है किस प्रकार से सारी चीज़ें लड़ी गई वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो डिफेमेशन होती है ना वो आदमी के दिमाग के अंदर होती है, मतलब जिस व्यक्ति की मान की इज्जत की हानि हुई है वो किस व्यक्ति के दिमाग में हुई वो साबित करना होता है, और ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। और सच बोलना एक डिफेंस है, एक्सेप्शन है डिफेमेशन के ऑफेंस की। तो अब किस प्रकार से ये केस लड़ा गया है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं तो अपना एक एग्जांपल जो ऐसा राजनीतिक केस मैंने डिफेमेशन का लड़ा था वो अरुण जेटली साहब ने जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनके सब बड़े लीडर्स के खिलाफ एक डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज किया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान होने के बाद एंगेज किया था एक अपने संजय सिंह जी के लिए, और मेरे एक दिन के 20 मिनट के क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वो मुकदमा कॉम्प्रोमाइज हो गया था। उसमें कंप्लेनेंट अरुण जेटली साहब जैसे लीगल ब्रेन थे और इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और उसमें इसमें तो इतने कोई समझदार व्यक्ति ने भी कंप्लेंट नहीं किया, तो मैं यही बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रायल का जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभी राहुल गांधी जी के पास और दूसरे भी विपक्ष के नेताओं के पास बहुत सारे मुकदमे हैं, तो ट्रायल का जो काम है वो सबसे ध्यान से करना चाहिए। उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फिर कोई ना कोई जो टिप्पणी हो रही है मेरे ख्याल से ट्रायल में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार से राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है जो कि जिसमें इतना सा भी दोष मुझे नज़र आता हो एज अ ट्रायल लॉयर।